आज की मेरी वीडियो गेंदा मैरीगोल्ड पर है। इसमें की सीडलिंग मैंने सितंबर मंथ में की थी। आज मिड अक्टूबर है, अक्टूबर मंथ की मिड डेट है। इसमें मैंने अब मैं इन प्लांट्स की सीडलिंग करने के बाद इनको मैं खाद दूंगी, ताकि हमारे विंटर में इन पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो। खाद में हम क्या फर्टिलाइजर दें और किस का स्प्रे करें, वो मैं आप सारी बात आपसे शेयर कर रही हूँ। ये चाय की पत्ती, उबली हुई चाय की पत्ती आप लें और इसको आप अपने प्लांट्स में एक एक चम्मच के हिसाब से दे दें सभी प्लांट्स को, क्योंकि अब इन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। अब इनको फर्टिलाइजर की जरूरत है। आप एक टूल की सहायता से गुड़ाई कर दें, गुड़ाई आप करें, क्योंकि जो मैरीगोल्ड होता है उसकी रूट्स काफी बड़ी होती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि इसका तना भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप ये देखें कि कभी भी आप अपने टूल को अपने ये मैरीगोल्ड के साथ उसकी रूट्स के साथ ना टकराएं, ताकि उसकी रूट्स ना टूटें। और गुड़ाई करने के बाद आप एक चम्मच चाय की पत्ती डालें और उसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, ताकि इन प्लांट्स को अच्छी खुराक मिले और ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो इनके बड्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और फिर हम इसकी वाटरिंग करेंगे और कैसा हमने वाटर देना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट जो सूखे पत्तों की खाद होती है वो वर्मी कंपोस्ट। आप एक मुट्ठी के हिसाब से अपने हर प्लांट्स में, बड़े प्लांट्स में एक मुट्ठी के हिसाब से, छोटे में एक चम्मच के हिसाब से दें। और ये उबली हुई चाय की पत्ती, उबली हुई चाय की पत्ती आप लें, जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी एक खुराक है और इसको आप एक चम्मच के हिसाब से हर 15 दिन के बाद दें तो इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो अब हम ये देते हैं। गुड़ाई करने के बाद आप चाय की पत्ती को इस तरह से चारों तरफ डाल दें अपने प्लांट्स में। आप वर्मी कंपोस्ट का एक एक चम्मच सभी प्लांट्स में डाल दें और आप डालेंगे चारों तरफ से, एक तरफ से मत डालना। और गुड़ाई करने के बाद, ताकि ये जो हमारी खाद है वो प्लांट्स पे के पास, रूट्स के पास पहुंचे। और अब बारी आती है इसको पानी देने की। पानी हमने गेंदे के फूल प्लांट्स को इतना ही देना है कि ना तो ज्यादा ज्यादा देंगे तो उसकी रूट्स गल जाएंगी, और कम देंगे तो उसकी रूट्स सूखी रह जाएंगी। इसलिए आपने जो पानी देना है वो भी आपने चारों तरफ से देना है, ऐसे घुमा के पानी देना है, ताकि वो सारा रूट्स के पास पहुंचे। हमारी कंपोस्ट हो गया, इसको कैसी हमने खुराक देनी है, कंपोस्ट हो गया, सॉयल हो गई, और इसको वाटरिंग कैसे करनी है। और उसके बाद, और अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, गेंदे के फूल के लिए बहुत अच्छी धूप चाहिए, क्योंकि सर्दी की धूप थोड़ी सी कम होती है, पर उसको अच्छी धूप में इसको रखें, गेंदे के फूल को, तो तभी उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये सबसे मेन बात है कि आप उसको धूप अच्छी दें। अब मैं आपको 15 दिन के बाद इसकी अपडेट दूंगी कि इन्होंने कैसी फ्लावरिंग की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज आप देखेंगे कि गेंदे ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करनी शुरू कर दिया और ये मेरे प्लांट्स जो हैं ये बिल्कुल बड़ से भरे हुए हैं, आप देख रहे हैं। आज फिर मैं इनको 15 डेज के बाद इनको ऐसा फर्टिलाइजर दूंगी कि मेरे को फिर इनको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा विंटर मैं इनको फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। अब के बाद तो वो मैं कौन सा फर्टिलाइजर दूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब बड्स निकाल रहा होता है फ्लावर ये प्लांट, तो उस टाइम उसको बहुत अच्छी खुराक की जरूरत होती है। तो आज उसकी ये इक्वायरी पूरी कर देंगे हम कि उसको बहुत अच्छी खुराक दे देंगे, तो उसको विंटर में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली थोड़ा सा पानी ही हम देंगे उसको। तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, और आज आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और सबसे मेन बात यह है कि ये बड़ से भरे हुए, मेन बात ये है कि मैं आपको ये बड़स दिखाने वाली थी, ये बड़ से भरे हुए हैं। और अब मैं इनको क्या खाद दूंगी,
कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर दूंगी जो कि इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। खली, ये सरसों की खली बेस्ट, सबसे बेस्ट देखा है मैंने, अच्छी सबसे ऑर्गेनिक खाद सरसों की खली और गुड़, जिसको आप तकरीबन एक, अगर एक सप्ताह के लिए भिगो के रख देते हैं तो उससे बढ़िया खाद कोई भी आपके पास केमिकल खाद भी नहीं होगी। तो अगर आप वो भिगो के नहीं रख सकते, आपको स्मेल अजीब लगेगी, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको एक दिन के लिए भिगो दें और फिर उसको तकरीबन अपने प्लांट्स के हिसाब से, मान लो आपके पास प्लांट्स ज़्यादा है तो आप 15-20 लीटर पानी में एक मग्गे के हिसाब से डाल लें, अगर आपके पास प्लांट्स कम है तो आप कम मात्रा में ले लें, तो एक दिन आप जरूर भिगो के रखें। ये सरसों की खली जो मैंने भिगोई हुई है, और ये पानी, इस पानी में मैं इस खली को ऐड कर लूँगी और उसके बाद ये लिक्विड बहुत ही अच्छा लिक्विड बन जाएगा, और ये मैं आप सारे प्लांट्स में अप्लाई कर, आप ये सरसों की खली का पानी अपने सभी प्लांट्स में दे दें, और उसके बाद आप एक मंथ के लिए इनको कुछ भी मत दें, कोई भी फर्टिलाइजर मत दें, ओनली इनकी फ्लावरिंग देख के अपने मन को खुश करें, क्योंकि ये बहुत ही फूलों से भर जाएंगे। आप इन प्लांट्स को आप ऐसा फर्टिलाइजर दें जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी इस चीज़ का फ़ायदा लें कि उनको ऑर्गेनिक कैसा फर्टिलाइज़र देना है प्लांट्स को, ताकि उनकी फ्लावरिंग अच्छी हो और विंटर के फूल उनके टाइम से पहले बहुत अच्छी तरह खिल जाएं। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।